नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबर। ग्वालियर के डबरा से, ग्वालियर जिले के डबरा में नवागत पुलिस अधीक्षक के पदभार संभालते ही पुलिस ने अवैध रेत परिवहन पर छापामार कार्यवाही कर 10 रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं अवैध परिवहन पर कर रहे 5 ड्राइवरों को भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट तौर पर पुलिस अधीक्षकों को सभी प्रकार के माफियाओं पर कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए थे। बावजूद इसके रेत का उत्खनन व परिवहन पर आज दिनांक तक भी कोई भी पुख्ता कार्यवाही नहीं की गई थी। वहीं डबरा अनुभाग के अंतर्गत आने वाले अवैध परिवहन पर एमपी सेल्स कॉरपोरेशन के मैनेजर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उसने मीडिया को बताया है कि भीतरवार थाना प्रभारी की ही अवैध रेत उत्खनन व परिवहन करवाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं डबरा अनुभाग में चल रहे रेत के अवैध परिवहन और आज के नवागत ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवरिया के निर्देशों पर डबरा एसडीओपी उमेश तोमर और मार्गदर्शन में डबरा पुलिस द्वारा सिटी थाना क्षेत्र के टेकनपुर चौकी के पास से अवैध परिवहन करते हुए रेत से भरे ट्रैक्टर व बिलोवा थाना क्षेत्र से 4 रेत से भरे ग्वालियर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने में सिटी पुलिस ने बाजी मार ली है। हालांकि इससे भी रेत पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि नवागत पुलिस अधीक्षक अवैध रेत परिवहन व खनन पर किस तरह जाल बिछाकर रेत माफियाओं को ध्वस्त करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। कल पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा मीटिंग के दौरान डीआई साहब और नवागत पुलिस अधीक्षक महोदय व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निर्देशन प्राप्त हुए थे कि इनके साथ कार्रवाई की जाना है। अतः मेरे मार्गदर्शन में टीम गठित कर रात में हाईवे पर घेराबंदी की गई, तो 10 ट्रैक्टर, 5 जिसमें 5 ड्राइवर सहित जब्त किए गए हैं और जिन पर 10 ट्रैक्टरों प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। सर, किस क्षेत्र से रेत आ रही थी? हाँ जी, किस क्षेत्र से रेत आ रही थी? इनसे अभी प्रारंभ पूछताछ में इनके द्वारा ऐसा बताया गया पिछोर साइड से ये रेत लेके आ रहे थे। अभी इनसे पूछताछ और की जा रही है कि ये और कहाँ से लेके आते हैं। जैसे सर टेकनपुर से पकड़ा गया है रेत के जो ट्रैक्टर पकड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कहाँ से आ रही थी? डबरा क्षेत्र से नहीं आने लगते हैं? हाँ, ये हाईवे पर थे जिसमें दोनों तरफ के रास्ते हैं। डबरा से भी रास्ता मिलता है और जोर से भी मिलता है, और कहाँ से लेके जा रहे थे और इनसे बारीकी से पूछताछ की जा रही है और इन पर अनुसंधान अभी जारी है। पुलिस अधीक्षक जी का पहले भी निर्देशन निकला था कि थाना प्रभारियों पर कार्रवाई की जाए जिसमें क्षेत्र में रेत का अवैध परिवहन हो रहा है, क्या कहना है इस संबंध में? अभी किसी भी थाना प्रभारी को संलिप्तता पाई जाएगी, जांच में वो दोषी पाया जाए कार्रवाई की। लोग आप सब कुछ जानते तो हैं कि जिन जिन थाना क्षेत्रों में जो खदानें हैं वहाँ के संबंधित थाना प्रभारी, सबसे ज़्यादा पिछोर के जो थाना प्रभारी हैं समाधिया जी, वो पूरा पुलिसिंग का काम थोड़ी कर रहे हैं, माइनिंग का काम कर रहे हैं। कल भी हमारे लड़कों ने 4-5 ट्रक पकड़े, बंदूक की नोक पर छुड़वा के ले गए उन ट्रकों को, और आज भी जो 10 ट्रॉली पकड़ी है ये पूरे पिछोर थाना क्षेत्र से भर के आ रही है, और पूरे सबको बाकायदा आगे 100 नंबर गाड़ी चलती है, पीछे पुलिस की गाड़ी चलती है जिसमें समाधिया जी बैठे होते हैं, कभी वो क्रेटा में बैठे होते हैं, कभी वो बोलेरो में बैठे होते हैं, और गाड़ियाँ पूरे ट्रैक्टर ट्रॉली निकलवाते हैं। परसों वो ट्रक पकड़ा, वो भी उनने ही निकलवाया बड़ी मुश्किल से। वो तो क्या है कि एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब दोनों के कहने पे ये गाड़ियाँ पकड़ में आ गई, नहीं तो कोई पकड़ ही नहीं रहा। पूरा पुलिसिंग का काम छोड़ के पूरा माइनिंग का काम कर रहे हैं ये लोग, माफिया कोई ठेकेदार। हम लोग 35 करोड़ रुपए देके इस ठेके को लेके आए हैं, 35 करोड़ रुपए। अगर भाई अभी एनजीटी की रोक है, हमने अपना काम बंद कर रखा है, भाई काम तो बंद है हमारा, पर नाकों पे हमारे लड़के तो रहेंगे, इससे चोरी ना हो। लड़कों को धमकाते हैं, आप कोई नाके पे नहीं बैठेंगे, आप यहाँ से जाइए, सीधे सीधे उनकी तो ये टेररबाजी चल रही है। और पूरा समाधिया जी तो बिलौवा थाने से कोई भी एक गाड़ी निकल के देख ले अगर थानेदार चाहे तो, थानेदार अगर चाहे तो एक गाड़ी नहीं निकल सकती है ग्वालियर शहर के लिए। पर टोटल सब कुछ वो तो एंट्री ले रहे हैं, एक एक ट्रॉली पे 5-5 हज़ार रुपये की एंट्री है उनकी, एंट्री ले कर छोड़ रहे हैं।
बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।